रिस्पेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर, एक बहुत ही मतलब जरूरी बात है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, FSSAI। उनके तरफ से कुछ गाइडलाइन आए हैं जिसमें जितने भी फूड ऑपरेटर हैं उनको एक रजिस्ट्रेशन करवाना है उनके अंतर्गत। इसका लास्ट डेट है आने वाला 4 अगस्त 2015। अगर इस बीच में कोई भी अगर अपना कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे और ये लाइसेंस अगर उनके पास नहीं रहेगा तो उनको आगे से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया FSSAI कोई भी बिजनेस इंडिया में करने की अनुमति नहीं देगी। इसके अंदर में 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। एक है सेंट्रल लाइसेंस, आपको सेंट्रल लाइसेंस से कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल लाइसेंस सिर्फ जो ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं बाहर से उनके लिए बनाया गया है ये सेंट्रल लाइसेंस। नेक्स्ट जो लाइसेंस है वो है स्टेट लाइसेंस, जैसे कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में 20-22 ऑफिसेज हैं, हमारे कुछ सर्विस सेंटर है, कैसे जैसे डॉक्टर अशोक के सर्विस सेंटर है, इमली मातेम जी के सर्विस सेंटर है, पंजाब में कुछ सर्विस सेंटर है, उन लोगों को स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। स्टेट लाइसेंस ₹2000 पर मंथ का इसका करीब चार्जेज है और आप मैक्सिमम 5 साल के लिए ले सकते हैं। तो टोटल अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो आपको 10,000 इसका फीस होता है। अगर आपने 4 अगस्त तक अगर आपने एज ए सर्विस सेंटर और एज ए हमने आर्ट लाइफ बिजनेस ऑपरेटर अगर हमने अपने ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उस परमिशेज को आगे बिजनेस करने की FSSAI अनुमति नहीं देगी। थर्ड जो टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन का टॉपिक, जो कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जिनका टर्नओवर 12 लाख तक आता है, 12 लाख एंड अबव आता है, उनको इसके अंतर्गत में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये है क्या, इसके क्या फीस है? पर ईयर का इसका जो रजिस्ट्रेशन का फीस का चार्ज है वो ₹100 है और आप मैक्सिमम इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 5 ईयर के लिए। तो टोटल 5 ईयर का आपका जो चार्ज होगा वो ₹500 होगा। ये बहुत ही आसान है, आप इसे ऑनलाइन जाकर करवा सकते हैं। उसका मैं भी आपको एक छोटा सा सिंपल सा डेमो दूंगा कि आप ऑनलाइन इसको कैसे करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर रिपीट करना चाह रहा हूं कि 5 अगस्त 2015 से पहले पहले इसका रजिस्ट्रेशन आपको किसी भी हालत में करवा लेना है। अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे और आप एक अच्छे वॉल्यूम कर रहे हैं तो आगे से कंपनी आपको प्रोडक्ट्स देने में दिक्कत होगी, क्योंकि FSSAI के अंतर्गत में ये मैंडेटरी किया गया है कि कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूटर जो आता है प्रोडक्ट्स लेने के लिए जिनका टर्नओवर 12 लाख या उससे अबव है तो उनका अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हर इनवॉइस के पीछे में उनको अटैच करना पड़ेगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब अगर आप हमारे काउंटर पर आएंगे और अगर आप प्रोडक्ट्स लेने के लिए जाएंगे तो आपसे हमारा जो परचेज जो वहां पर बेचने वाला है जो सेलर है वो आपसे डिमांड करेगा आपके रजिस्ट्रेशन का और हर इनवॉइस के पीछे में मुझे उसका कॉपी लगाना है। अगर हमने इसका पालन नहीं किया तो हमारे ऊपर में इसका एक्शन होगा और आप एज ए फूड ऑपरेटर जो आप इस प्रोडक्ट्स को ले जाकर आगे बेच रहे हैं आपको दिक्कत आएगी। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या वो आदमी जो पर मंथ अपना 50 PV 60 PV 70 PV कर रहा है उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है? FSSAI के अंदर में रजिस्ट्रेशन के बारे में यह कहा गया है कि जो आदमी प्रोडक्ट्स खरीदता है उसको आगे बेचता है उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। अगर आप 50 PV 60 PV 70 PV 100 PV अपने लिए खरीदते हैं तो आप आसानी से इसको कन्विंस कर सकते हैं डिपार्टमेंट को कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं। लेकिन जब आप अपने आईडी पर 400 PV खरीदते हैं, 500 PV खरीदते हैं, 1000 PV खरीदते हैं, 2000 PV करते हैं, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो इसको कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है कि आप 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट अपने लिए यूज करते हैं। तो उन लोगों को बेहतर है कि उसको आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। मैं उस रजिस्ट्रेशन का आपको डेमो देने जा रहा हूं क्योंकि स्टेट लाइसेंस ऑलरेडी हमने सबको बता दिया है। स्टेट लाइसेंस लोग जानते हैं कि कैसे लेना है, जो कि हमें ऑफिस के लिए लेने हैं। मुझे जो अभी आपको बताना है वो है आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना। मैं आपको अपने कंप्यूटर के अंतर्गत आपको जाकर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है उसका क्या प्रोसेस है। एक बहुत ही सिंपल सा वेबसाइट है FSSAI.gov.in, आप इसको लिखते हैं इसमें। जैसे ही आप ये लिखेंगे आपका FSSAI का आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अगर आपको इसके थ्रू नहीं हो रहा है तो आप गूगल में लिखेंगे FSSAI तो वहां पर वो वेबसाइट आ जाएगा और आप वहां से उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आपका FSSAI.gov.in का वेबसाइट खुलेगा यहां पर आपका एक नया सेंस आप देखेंगे कि लोगो है वहां पर फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जैसे ही आप इसको खुलेंगे तो एक नया विंडो आपका ओपन हो जाएगा। अब यहां पर एक है फॉरगेट कि साइन अप, अगर आप नए यूजर हैं यहां पर सारे चीज आपको डिटेल में दिए हुए हैं कि कितने फीस हैं, हाउ टू अप्लाई, रेगुलेशन एडवाइजरी, फी स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कॉन्टेक्ट डिटेल, सब चीज दिया हुआ है यहां पर। यहां पर सारे इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं कि क्या क्या चीज आपको करने हैं। अब इसको में हम कैसे अपना बना सकते हैं यूजर आईडी,
यहां पर आप देख रहे हैं कि एक साइन अप का एक लोगो दिया हुआ है। यहां पर आपको देना है अपना नेम ऑफ एप्लीकेंट। अगर मैं राजकमल हूं तो मैं अपने नाम देता हूं राजकमल। अगर मैं कंपनी हूं तो अपना कंपनी का नाम देता हूं, अगर कंपनी नहीं तो इंडिविजुअल का नाम, उनका पूरा एड्रेस, किस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको सही सही देना है, क्योंकि उसी पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिलेगा। जब आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया तो फिर से आप उस लोगो पे जाएंगे फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर, और यहां पर अपना यूजर नेम देंगे। जैसे मैंने अपने कंपनी का यूजर नाम डाला और उसके बाद हमने इसको साइन अप किया, तो अगर आपका गलत है तो गलत बताएगा, जैसे मैंने अभी आपको अपना ओपन करने जा रहा हूं। अब हम इसके अंदर में आ गए आपको लाइसेंसिंग में। अब जब आप ऊपर में जाएंगे यहां पर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में देखिएगा कि ये कॉलम है लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। यहां पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। आपको इस विंडो को क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट विंडो खुल जाएगा जिसमें आपको क्लिक करना है एक्सेप्ट। जब आप एक्सेप्ट में जाएंगे तो आपको बताएगा कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। अगर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, पहले उसमें आपका क्वेश्चन आएगा आर योर परमिशन वेयर फूड बिजनेस एक्टिविटीज कैरी आउट लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, तो आपको अगर एक ही स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप इसमें नो लिखेंगे। अब यहां पर है इन द केस फूड बिजनेस एक्टिविटीज कैरी आउट लोकेटेड इन वन मोर स्टेट विद द सेम, तो आपको आर यू होल्डिंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गिवन अंडर रिप्लाइड विद द फूड सेफ्टी एंड एग्रीमेंट, नो आपने पहले कोई भी नहीं लिया है। अब आपको इसमें देखना है कि किस कैटेगरी में आपको बिजनेस लेना है, मैन्युफैक्चरर आप है, मोनेट इंपोर्टर है, आप ये दोनों में से कुछ नहीं, आपको क्लिक करना है अदर बिजनेस। अदर बिजनेस में आपको जाना है किसमें, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जिसमें टर्नओवर अप टू 12 लाख एनुअम आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपका 20 करोड़ का टर्नओवर नहीं है, 20 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं है, तो आपको इसमें क्लिक करना है टर्नओवर अप टू 12 लाख और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। आपने इसको क्लिक किया, आपको प्रोसीड करना है आगे। जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपका फूड बिजनेस ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन का आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है क्लिक टू अप्लाई। अब यहां पर सारे चीज आपके डाले हुए हैं, जहां पर आपको अपना नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अगर आप पर्सन आप अपना है तो अपना नाम उसमें लिखेंगे, एज ए इंडिविजुअल लिखेंगे कि आपको एज ए इंडिविजुअल इसको लेना है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर काइंड ऑफ बिजनेस परमानेंट रिटेल रिटेलर फूड स्टॉल्स फीस मैन्युफैक्चरर अदर आप इसमें डाल देंगे अदर, और ये इसमें आप लिख देंगे यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर अदर में लिख देंगे। अब यहां पर स्टेट अपना दे देंगे पूरा कि किस स्टेट से, एड्रेस पूरा दे देंगे, सब डिवीजन दे देंगे, टेलीफोन नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर्ड किया है ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहां पर। यहां पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, उसके बाद आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ या तो वोटर आईडी या कुछ भी है वो आपको इसमें अपलोड करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहां पर देख रहे हैं, आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, किसी में भी इसमें इसको भर करके स्कैन करने के बाद आप यहां पर ब्राउज करके इसको अपलोड कर देंगे। इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंटेड डेट ऑफ स्टार्ट किस डेट से आपने किया, इन केस ऑफ सीजनल बिजनेस डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द क्लोजिंग पीरियड ऑफ द ईयर, ये सारे चीज आपको दिए हुए हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो उसमें आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा और उसमें आपको पेमेंट करना है। बड़ा ही आसान तरीका है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है। 5 साल का टोटल जो फीस है वो 500 है। अगर आप जाएंगे वेबसाइट में तो सारे चीज डिटेल में वहां पर लिखे हुए हैं। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप हमारे यहां पर जो मार्केटिंग हेड है मिस्टर राजकुमार शर्मा, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। संदीप शर्मा से मुंबई में आप कंसल्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन अगर कर सकता है तो हमारा गुवाहाटी का जो मैनेजर है मिस्टर प्रशांत, वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन प्लीज प्लीज ये जो लास्ट डेट है आपका 4 अगस्त, उससे पहले पहले इसको अप्लाई कर दें, ताकि आपके पास एक अप्लाई का भी सर्टिफिकेट हो कि आपने अप्लाई कर दिया। क्योंकि अगर उसके बाद अगर आप परचेज करेंगे तो हमेशा कंपनी आपसे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको पूरी तरह से सीरियस रूप में लेंगे और जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं करवाएंगे रजिस्ट्रेशन तो आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं इस बिजनेस में। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप भारत सरकार के दिए हुए गाइडलाइन को मानेंगे और हम सब मिलकर इस चीज को सारे चीज को पूरा करेंगे। एक बार फिर आप लोगों को इस टाइम देने के लिए और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।